वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब दोस्तों? हम सभी लोग की चाहत होती हमारे चेहरा खूबसूरत हो, बेदाग हो, हमारे चेहरे पे किसी भी तरह के दाग धब्बे निशान ना हो, हमारी स्किन नेचुरल ग्लो एज शाइन कर हमारे चेहरे पे ग्लो रहे। तो आज मैं आप लोग की एक ऐसी रेमेडी लेकर आई हूँ। इसे बनाने के सामान आपको आपके घर में इजीली मिल जाएगा। आप इस क्रीम को बहुत आसानी से बना सकते हो, इस क्रीम का 100% रिजल्ट पा सकते हैं। तो दोस्तों आपको लेना है नारियल का तेल यानी कोकोनट ऑयल। दोस्तों कोकोनट ऑयल हम सभी के घर में इजीली होता ही है और ये कोकोनट ऑयल सदियों से यूज होता आ रहा है, हमारे इस हेयर के लिए, स्किन के लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होता है। दोस्तों स्किन की बात करें तो स्किन को डीपली मॉइस्चराइज करता है, बढ़ती उम्र के साइंस को ये कम करता है, एंटी एजिंग की तरह काम करता है, चेहरे पर रिंकल्स फाइनेंस को ही रिमूव करता है, स्किन को सॉफ्ट बनाते, स्मूथ बनाते, ग्लोई बनाता है। एंड दोस्तों नेक्स्ट आपको लेना है एक विटामिन कैप्सूल का ऑयल। दोस्तों ये विटामिन के कैप्सूल आपको किसी भी मेडिकल स्टोर पर 10 कैप्सूल 35 रुपीज़ के मिल जाते हैं। ये भी हमारे हेयर के लिए, स्किन के लिए, हेल्थ के लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होते हैं। स्किन की बात करूँ तो चेहरे से दाग, स्पॉट, पिगमेंटेशन, झाइयाँ को ठीक करता है, सन टैन की प्रॉब्लम को भी ठीक करता है, स्किन को इवन टोन करता है और स्किन को डीपली मॉइस्चराइज करता है, चेहरे पे ग्लो लेकर आता है। नेक्स्ट आपको लेना है कुछ ड्रॉप्स लेमन जूस की। दोस्तों लेमन में नेचुरली ब्लीचिंग प्रॉपर्टीज होती है, स्किन को ब्लीच करता है। जिस तरीके से आप पार्लर में जाकर ब्लीच करवाते हैं ना दोस्तों, वो पार्लर के ब्लीच बहुत महंगे होते हैं और केमिकल भी होता है, लेकिन लेमन का जूस आप लगाते हो ना तो ये नेचुरली ब्लीच का काम करता है, आपके चेहरे से दाग, स्पॉट, पिगमेंटेशन, झाइयां को ठीक करता है, स्किन को क्लीन क्लियर बनाता है, रंग को बहुत तेज़ी से गोरा करता है। तो दोस्तों चलिए देखते हैं इस क्रीम कैसे बनाना है। तो आपको एक क्लीन वॉल लेना है, उसमें आपको लेना है 2 टेबल स्पून कोकोनट ऑयल। दोस्तों जैसे कि मैंने बताया कोकोनट ऑयल बहुत अच्छा है। दोस्तों अगर आपके फेस पे फोड़ा फुंसी की प्रॉब्लम है, मुहासों की प्रॉब्लम है, तो उस प्रॉब्लम को भी ठीक करने का काम करेगा नारियल का तेल। नेक्स्ट आपको लेना है एक विटामिन कैप्सूल का ऑयल। दोस्तों अगर आपके पास विटामिन के कैप्सूल नहीं है तो आप क्या करें, इसकी जगह आप ले सकते हैं बादाम रोगन ऑयल, ठीक है। आप उसकी 2-3 ड्रॉप्स ऐड कर दीजिए, वो भी स्किन के लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होता है। अच्छे से आपको मिक्स कर लेना है। दोस्तों मिक्स करने के बाद दोस्तों नेक्स्ट आपको डालना है इसमें कुछ ही ड्रॉप्स लेमन जूस की, या फिर आप 1 चम्मच भर के डाल दीजिए। दोस्तों जैसे कि मैंने आपको बताया लेमन में नेचुरली ब्लीचिंग प्रॉपर्टी होती है, इसमें बहुत सारे ऐसे पोषक तत्व होते हैं जो कि चेहरे को बहुत तेज़ी से गोरा करते हैं, स्किन को फेयर बनाता है, स्पॉटलेस बनाते, ग्लोई बनाते, क्लीन क्लियर बनाता है, अगर आपके चेहरे पर डेड स्किन है उसको भी रिमूव करने का काम करता है। तो आपको डाल देना, अच्छे से मिक्स कर देना है। मिक्स करने के बाद दोस्तों ये रेमेडी बनकर हो जाएगी रेडी। दोस्तों मैं इसको केवल फेस के लिए बना रही हूँ तो मैंने इसकी क्वांटिटी कम रखी है, अगर आप इसको फुल बॉडी के लिए बनाते हो ना तो इसकी क्वांटिटी आप बढ़ा सकते हैं। इसको फुल बॉडी पर लगा सकते हैं, आप हाथों पैरों पर लगा सकते हैं, कहीं पर भी जहाँ भी आपको डार्कनेस लगती है ना या फिर आपकी स्किन पर ग्लो नहीं है, वो उस रेमेडी को आप लगा सकते हैं। दोस्तों नेक्स्ट आप उसमें डालना है पिंच ऑफ वाइल्ड टर्मरिक। दोस्तों कस्तूरी टर्मरिक का इस्तेमाल करना है आपको, किचन वाली मसाले वाली टर्मरिक का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करना है, अगर उसका करोगे तो आपको रेडनेस हो सकती है। तो आपको एक चुटकी डालना है, बहुत ज़्यादा नहीं डालना है। दोस्तों हल्दी में एंटीसेप्टिक होती है, स्किन में जितने भी हानिकारक बैक्टीरियल्स होते हैं उसको ख़त्म करती है, पिंपल मुहासों के निशानों को ठीक करती है और अंदर से हमारे रंग को निखार कर बाहर लाती है, रंग को बहुत तेज़ी से गोरा करती है। दोस्तों हल्दी का प्रयोग बहुत सदियों से होता आ रहा है, शादी ब्याह में भी हल्दी का हम यूज करते हैं। दोस्तों हल्दी लगाते हैं दूल्हा दुल्हन को, क्यों लगाते हैं, क्योंकि रंग को निखारने के लिए, इससे ना स्किन फेयर होती है। तो बस आपको अच्छे से मिक्स कर देना है, मिक्स करने के बाद ये रेमेडी बनकर रेडी है। दोस्तों ये रेमेडी बहुत बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है, इसकी क्या ही तारीफ करूँ। जब आप इसको लगाओगे ना तभी आप फ़र्क अपनी स्किन में देखोगे, आपकी स्किन क्लीन क्लियर हो जाएगी, बेदाग हो जाएगी, खूबसूरत हो जाएगी, ग्लोइंग हो जाएगी, स्पॉटलेस हो जाएगी। दोस्तों मैं आपको कोई महंगी क्रीम नहीं बता रही कि आप मार्केट से महंगी क्रीम लेकर आओगे तभी आप अपनी स्किन को खूबसूरत बना सकते हो। दोस्तों आप घर की किचन की चीज़ों से आप अपनी स्किन को खूबसूरत बना सकते हो। तो चलिए दोस्तों देख लेते इस क्रीम को कैसे लगाना, मैं आपको बता देती हूँ। तो दोस्तों आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको अपने फेस को क्लीन कर लेना है, फेस वॉश से आपका फेस एकदम क्लीन होना चाहिए। उसके बाद इस रेमेडी को आप
आपको लेकर अपने फेस पर लगाना है जिस तरीके से मैं लगा रही हूँ। और दोस्तों आपको रोज़ रात में सोने से पहले लगाना है। सोने से पहले मैं आपको इसीलिए बता रही हूँ क्योंकि है ना, इसे लगाने के बाद आप रात में सो जाओगे, ठीक है, और रात में ज़्यादा समय भी मिलेगा इस रेमेडी को अपना इफ़ेक्ट दिखाने का। तो आपको रात में लगाना है, अच्छे से आपको मसाज करना है जिस तरीके से मैं कर रही हूँ। दोस्तों मसाज आपको करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, आप हफ्ते में एक बार अपने फेस की मसाज जरूर करें। इससे क्या होता है कि आपकी स्किन पर कसाव आता है, आपकी फेस पर रिंकल्स झुर्रियाँ जाइयाँ ठीक होती हैं, और अगर हैवी नहीं है तो मसाज करने से आती ही नहीं है, आपकी स्किन टाइट होती है, चेहरे पर कसाव आता है, स्किन पर ग्लो आता है। और सबसे अच्छी बात है कि जब आप मसाज करोगे तो ये रेमेडी आपकी स्किन में अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाएगी, तो आपको बहुत ही अच्छा रेट मिलेगा। मसाज जरूर करें। और दोस्तों इस रेमेडी के लगाने के बाद आप देखोगे, आपको 15 दिन तक रेगुलर लगाना, 15 दिन में आप देखोगे आपके चेहरे पे दाग स्पॉट पिगमेंटेशन धीरे धीरे रिमूव होने लगेंगे, आपकी स्किन इवन टोन हो जाएगी, सनटैन की प्रॉब्लम है वो भी दूर हो जाएगी, आपके फेस पे डार्क स्कर्स से तो डार्क स्कर्स भी रिमूव हो जाएंगे, आपकी स्किन एकदम स्मूथ हो जाएगी, क्लीन एंड क्लियर हो जाएगी, बेदाग खूबसूरत हो जाएगी। तो आप इस क्रीम को लगाए, लगाने के बाद सो जाना है। नेक्स्ट मॉर्निंग आपको अपने फेस को ठंडे वाटर से वॉश कर लेना है। दोस्तों मेरी स्किन आप देख सकते हो, मेरी स्किन पे किसी भी तरह की दाग धब्बी कोई निशान नहीं है, मेरी स्किन ग्लो कर रही है। क्यों? क्योंकि मैं इस रेमेडी को बहुत टाइम से लगा रही हूँ, मुझे 15 से 20 दिन हो चुके हैं दोस्तों। तो आज की वीडियो आप लोग को पसंद है, इस वीडियो को लाइक से जरूर कर देना।